हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का जो हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। ये मनी बैंकिंग का एक चैप्टर है, सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल। इंडिया में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर किया गया है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम हर वीडियो लेक्चर की तरह हम सेंट्रल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल को थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की, सेंट्रल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में, और क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर 5 मार्क्स। यहां पे सेंट्रल बैंक का रोल बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दूसरा सवाल 1995 में पूछा गया है और क्वेश्चन है फॉर 20 मार्क्स, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आपको ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस डिस्कस करने हैं, मैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तीसरा क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए ये दो बार सवाल पूछा गया, इसका मतलब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लो अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स, एन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड, इसका मतलब आरबीआई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर 5 मार्क्स एज वेल एज फॉर 20 मार्क्स। आप 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, 5 मार्क्स का तो हो ही जाएगा। अगला 2002 में सवाल पूछा गया है व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। तीन प्रिंसिपल्स आपको डिस्कस करने हैं सेंट्रल बैंकिंग के, कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट फॉर 20 मार्क्स। तो ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और वो क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विद रेफरेंस टू आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के रेफरेंस में आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक बतानी है क्रेडिट कंट्रोल की। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2004 में है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, 20 मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया में होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि आरबीआई द्वारा क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। अगला 2009 में सवाल पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और सवाल है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई के ढेर सारे फंक्शंस हैं जिसमें से एक फंक्शन है बैंकर्स बैंक वाला, इसे आपको लिखना होगा फॉर 5 मार्क्स। बैंकर्स बैंक का मतलब मैं आपको बता दूं कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं अगर उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो इट इज बैंकर्स बैंक। अगला है 1999 और सवाल है डिस्कस द फंक्शन एंड रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1996 में डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट फॉर 20 मार्क्स। तो ये क्रेडिट कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। 1997 में सवाल पूछा गया फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड एग्जामिन द रोल ऑफ बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट वो रेट होता है, देखिए बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें एक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है, ठीक है, मनी सप्लाई करने के लिए इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक विद स्पेशल रेफरेंस टू आरबीआई। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स पूछे गए हैं जिसे आप क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे और स्पेशल रेफरेंस है आरबीआई का। अगला क्वेश्चन 1999 में पूछा गया है फॉर 10 मार्क्स और क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, आपको बताना है क्या है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स, डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ आरबीआई इन क्रेडिट कंट्रोलिंग क्रेडिट। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि आरबीआई का क्या परफॉर्मेंस है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, और आपको क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स और क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिस्कस द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के और आपको क्वांटिटेटिव मेथड बताने हैं क्रेडिट कंट्रोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2003 में 20 मार्क्स के लिए पूछा गया और क्वेश्चन है हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट एक्सप्लेन फुल्ली। एक सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स और क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। ठीक है, आरबीआई कितने एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रहा है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो 2006 में पूछा गया है और 2006 में जो सवाल पूछा गया है ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन है हाउ डस सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय आरबीआई इन रीसेंट ईयर्स। ठीक है, रीसेंट ईयर में आरबीआई ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं फॉर 20 मार्क्स। अगला क्वेश्चन दो बार आया है, एक 2011 में और एक 2014 में और क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉर 20 मार्क्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है क्रेडिट कंट्रोल के और आपको क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स भी एक्सप्लेन करने हैं 20 नंबर में। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स, ये क्वेश्चन वापस रिपीटेड है। आप देख रहे हैं 2007 के बाद 2012 में सेम क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रिपीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स, इट इज व्हाट इज बैंक रेट। तो बैंक रेट आपको मालूम है ना, बैंक रेट इज द रेट जहां पे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, इट इज बैंक रेट। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स डिवेंचर्स खरीदती भी हैं बेचती भी हैं ओपन मार्केट में, मतलब इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट वो खुद जाकर के करती हैं ओपन मार्केट में। तो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में और आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक कहते हैं किसको है? तो देखिए, सेंट्रल बैंक इज द सुप्रीम मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन विच इज एट द एपेक्स ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। इट इज द लीडर ऑफ मनी मार्केट एज सच कंट्रोल्स रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये एक एपेक्स मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर है किसी देश का, ये मनी मार्केट का लीडर है और जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है सारे की सारे कमर्शियल बैंक्स की सारी एक्टिविटीज को। इट इज द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी विच मैनेजेस द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री एंड फंक्शंस एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द कमर्शियल बैंक्स। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन सेंट्रल बैंक एक्यूरेटली। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में ट्रेडिशनल फंक्शन है। ट्रेडिशनल फंक्शन क्या है ऑब्जेक्टिव में, पहले ऑब्जेक्टिव में ट्रेडिशनल फंक्शन में इनका काम होता था हैविंग द मोनोपोली ऑफ नोट इशू, एक्टिंग एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सर्विंग एज बैंकर्स बैंक, फंक्शनिंग एज द लेंडर्स टू ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द क्रेडिट एंड मेंटेनिंग द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड वन इज इंटरनल स्टेबिलिटी, मतलब इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है टू मेंटेन द इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं वो पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। फिर ब्रांच एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग हैबिट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। तो जितने भी कमर्शियल बैंक में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ट्रेन करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से, क्योंकि नई चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लेकर के आ रहा है, नई नई पॉलिसीज, कुछ भी नया डेवलपमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आ रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ट्रेन करे, वो अपने कमर्शियल बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज को ट्रेन करे।
अगला है पॉइंट नंबर 9, दैट इज प्रॉपर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। तो उसमें बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, CRR आता है, SLR आता है, तो आप जान रहे होंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। अदर प्रमोशनल रोल्स, इसमें अदर प्रमोशनल रोल्स में हम कह सकते हैं कि इट कैन अडॉप्ट पॉलिसीज टू प्रोवाइड हेल्प टू द वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर एक्सेट्रा। इट कैन प्रोवाइड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द प्लानर्स अबाउट सम डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एंड इट कैन पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द इकॉनमी एंड प्रमोट द रिसर्च इन मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ नोट इशू, आपको मालूम है ये नोट इशू करते हैं। दूसरा है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक। उसके बाद फोर्थ वन इज लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, मतलब ये सुप्रीम बैंक है किसी भी देश का, और जो सेंट्रल बैंक होता है वो लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट की तरह एक्ट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक आर नॉट एबल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे कैन एज अ लास्ट रिसॉर्ट अप्रोच द सेंट्रल बैंक फॉर फाइनेंशियल एकोमोडेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया लग गया होगा लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट क्या होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है क्लियरिंग एजेंट का, तो इसका अगला फंक्शन है क्लियरिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड बैंकिंग, साउंड सेंट्रल बैंकिंग। तो ये साउंड सेंट्रल बैंकिंग भी या अपने देश में भी पूछ सकते हैं ना, RBI रीसेंट ईयर्स में कैसे काम कर रहे हैं या उन्होंने कैसे हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी को कंट्रोल किया है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, दूसरा सेफ्टी, जो लोगों ने पैसा दे रखा है उनके पैसे की सेफ्टी के लिए RBI जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर उनके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। फिर स्टेबिलिटी, इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिजर्व मैनेजमेंट और एक्सपेंशन, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं साउंड बैंकिंग के। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन RBI का क्या था। तो ट्रेडिशनल फंक्शन RBI का सबसे पहला था इशू ऑफ करेंसी नोट, दूसरा था बैंकर टू द अदर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन। अब डेवलपमेंटल या प्रमोशनल फंक्शन क्या था RBI का, सबसे पहला था डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, फोर्थ वन इज प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, फिफ्थ वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सिक्स्थ वन इज पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, सेवन्थ वन इज प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट, एट्थ वन इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट थ्रू रीफाइनेंस। सुपरवाइजरी फंक्शन भी है, सुपरवाइजरी फंक्शन में ग्रांटिंग लाइसेंस टू द बैंक, बैंक का इंस्पेक्शन करना, कंट्रोल ओवर NBFIs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, उनके वर्किंग को मॉनिटर करना। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, तो RBI ने कुछ सेटअप करके रखा है गारंटी कॉर्पोरेट, मतलब इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स। जैसे अभी येस बैंक को बड़ा नुकसान हुआ, तो येस बैंक में अब RBI ने ये बोला है कि आपके आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा हो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम अब आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये RBI की नई पॉलिसी है। अब बात करते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये गारंटी देते हैं। अगली बात हम करेंगे कि टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो इसमें क्या टेक्निक होती है, टेक्निक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी एक टेक्निक है जिसे क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो बिजनेस साइकिल है वो अनस्टेबल रहता है उसे स्टेबल करने का काम। फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन ऑफ मनी मार्केट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सारा का सारा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। अब क्वांटिटेटिव मेथड में इन्होंने बोला बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में भी एक CRR को सही रखना है, मतलब मेंटेन करके रखना है। दूसरा SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर फोर्थ पॉइंट इज फिक्सेशन ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का लेंडिंग रेट फिक्स करना, और क्रेडिट स्क्वीज। और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI, जिसमें मेथड्स है फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योर्ड लोन्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल थ्रू डेरिवेटिव्स, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें थी। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई सवाल का जवाब आपको नहीं मिला हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं।
और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.